नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, यदि आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौड़ा में है और आपके पास बैंक ऑफ बड़ौड़ा का क्रेडिट कार्ड है, तो वो क्रेडिट कार्ड को आप बीओबी वर्ल्ड ऐप के अंदर ऐड कर सकते हो, और उसके अंदर क्या उसके अंदर ट्रांजेक्शन है, कितना बिल आउटस्टैंडिंग है, पिन वगैरह सेट करना है, वो सब इसके अंदर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौड़ा रिलेटेड ऐसे यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों आप बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लीजिए। जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप सिंपल कार्ड वाले सेक्शन में चले जाइए। जैसे हम कार्ड वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है यहाँ पे ऊपर। यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू योर कार्ड डिटेल, आपके कार्ड की डिटेल आप देख सकते हो। व्यू योर ट्रांजेक्शन, आप कार्ड ट्रांजेक्शन मैनेज योर कार्ड, मतलब आपके कार्ड को मैनेज कर सकते हो। मेक ऑनलाइन पेमेंट और बिल्स एंड मेनी अदर सर्विस, मतलब ये सब यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, ऐड नाउ कर देना है। जैसे ऐड नाउ करेंगे यहाँ पे नेम ऑन क्रेडिट कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड पे क्या नाम है यहाँ पे लिख देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर, यहाँ पे वैलिडिटी और आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो सब यहाँ पे लिख देना है। मैं यहाँ पे सब फिलअप कर लेता हूँ। सिंपल है, डिटेल भरने के बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है। ओटीपी डाल देने के बाद सिंपल आपको वेरीफाई कर देना है, सक्सेस हो गया डन पे सिंपल क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे कार्ड में जाइए, फिर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के अंदर चले जाइए। यहाँ पे देख सकते हो मेरा क्रेडिट कार्ड शो कर रहा है, इसके अंदर कितनी लिमिट है, 50,000 की लिमिट मुझे मिली है। आउटस्टैंडिंग कितना है, -50 पैसा, यानी कि मेरा प्लस में बैलेंस पड़ा हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारे और फीचर्स है, जैसे आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑन ऑफ कर सकते हो इसके अंदर। फिर रिवर्ड पॉइंट यहाँ पे आप रिडीम कर सकते हो। इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपका कार्ड खो गया है उसको ब्लॉक करना है तो ब्लॉक भी कर सकते हो। और रिसेंट ट्रांजेक्शन यानी कि स्टेटमेंट, आपने क्या क्या इससे ट्रांजेक्शन किया है। मैंने एक लोन लिया था जो आप देख सकते हो, इसका यहाँ पे बिल पेमेंट वगैरह सब है, कितनी तारीख को आप बिल पेमेंट कर रहे हो, ईएमआई कितना है, वो सब व्यू ऑल ट्रांजेक्शन करोगे तो और ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप देखो यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन आपको शो कर रहा है, क्या चार्ज लगा है, जीएसटी लगा है, कौन सी प्रोडक्ट पे, ये आप आराम से आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे मैनेज, यहाँ पे आप देखिए नीचे चले जाइए, यहाँ पे मैनेज चैनल है लिमिट, यहाँ पे मैनेज चैनल पे क्लिक कीजिए। जैसे मैनेज चैनल पे क्लिक करेंगे आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे सेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिमिट, यहाँ पे आप सेट कर दोगे ऐसे कि भाई मुझे 15,000 से ज़्यादा डेबिट नहीं होना चाहिए ऑनलाइन, तो मतलब फ्रॉड होने का चांस एकदम कम हो जाएगा। या फिर ये सेट ऑनलाइन ई कॉमर्स लिमिट मैंने 0 ही रखता हूँ, जब मैंने मेरे को यूज़ करना होता है तो ही मैं इसको प्लस करता हूँ। आप देखो यहाँ पे ये ऑनलाइन कोई भी फ्रॉड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 लिमिट है, जब भी यूज़ करना है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। फिर एटीएम कैश विड्रॉल मैंने बंद रखा है, अगर आप चाहे तो इसको ऑन कर सकते हो और उसमें भी लिमिट सेट कर सकते हो। तो दोस्तों कितना अच्छा फीचर से क्रेडिट कार्ड का पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप पिन भूल गए हो तो यहाँ से पिन रीसेट भी कर सकते हो, नया कार्ड लिया है तो वो भी यहाँ से चालू हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।